जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वॉलीबॉल का इंट्रामुरल होने जा रहा है। यहाँ दो हाउसे कोर्ट में हैं और पूरे इंथुइज्म और जील के साथ है, उत्साह के साथ है। रेड हाउस और ब्लू हाउस एक दूसरे को स्पोर्ट्समैनशिप शो करते हुए एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं। टॉस इज विनिंग बाय रेड हाउस। ये चीफ गेस्ट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स और गेम्स का इम्पोर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है। द पेन यू फील टूडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टूमोरो। एकदम यही हाल है। आजकल के लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा जरिया है लोगों को हेल्दी रखने का, स्पोर्ट्समैनशिप बनाए रखने का। सभी को नमस्कार। आज का पहला मैच इंटरमोरल का, रेड हाउस वर्सेस ब्लू हाउस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज की मैच काफ़ी कांटे की टक्कर की, जिसके रेड हाउस के कप्तान हैं ऑल इंडिया प्लेयर लाली यादव और ब्लू हाउस के कप्तान हैं मनोज, जो कि ऑल इंडिया 17 फेडरेशन खेल चुके हैं। बहुत ही अच्छी टीम, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में जितने भी हमारे बीपेड एमपीएड के टीचर्स, खिलाड़ी, स्टाफ सब लगे हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी खिलाड़ी बड़े ही उत्साह में हैं। इंट्रामुरल का मतलब यही होता है कि जितने भी परफेक्ट और स्पेशलाइज्ड प्लेयर होते हैं वो गेम को खेलते नहीं है, तो आज हमें यही देखना है। और आज के इंट्रामुरल के चीफ गेस्ट सत्यपाल यादव, जो कि हमारे पीएससी सर्वोत्तम बल के चीफ कमांडर, और मैच शुरू होते हुए बहुत ही अच्छा मैच का आरम्भ सर्विस करना है मनोज यादव, 70 फाउंडेशन के प्लेयर, नंबर 4 जर्सी से खेलते हुए। और यह है कि टेनिस सर्विस और बहुत ही खूबसूरत, और इसका आगे का देखकर हमारी सीनियर्स मैम श्रद्धा शुक्ला जी बताएंगी। और ये फिर से मनोज देख रहे हैं आप, जर्सी नंबर 4 है, ये सर्विस करते हैं और ये बड़ी ही खूबसूरत जर्सी, बड़ा ही अच्छा मैच राहुल के द्वारा, बहुत प्यारा सा स्मैश, रेड हाउस एकदम जोश में। एकदम बॉल लाइन में कैच होते हुए दोनों टीम का एकदम बराबर टक्कर लग रहा है। और ये मनोज के द्वारा फिर से सर्विस, मनोज काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है वॉलीबॉल के। और ये रहा उनके द्वारा टेनिस सर्विस। सर्विस उनकी थोड़ी सी ओवर हो गई इस बार, पर कोई नहीं, कहते हैं ना कुछ खिलाड़ी खेल इस प्रकार खेलते हैं, खेलते ही हारने के बाद भी उनकी तारीफ की जाती है। और ये फिर से दोनों साइड से सर्विस बिल्कुल ऐसी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बराबर का मैच चल रहा है। और ये मनोज की सर्विस, ये सर्विस कंटिन्यू होते हुए जर्सी नंबर 4 मनोज के द्वारा, ये खूबसूरत टेनिस सर्विस और लालू के द्वारा लिया गया शॉट। ये बड़ा सुंदर मैच चल रहा है, बहुत सुंदर डाइव मारते हुए प्रमोद, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है और बहुत सुंदर डाइव मारते हुए। और ये रेड हाउस की तरफ से सर्विस मनोज के द्वारा एकदम अच्छा स्मैश देते हुए, एकदम अच्छा शॉट देते हुए पूरी गेम को संभाले हुए हैं ये मनोज, जर्सी नंबर 4। ये काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के। और ये उन्हीं के द्वारा सर्विस फिर से, और ये उनकी टेनिस सर्विस, बड़ी सुंदर सर्विस लालू के द्वारा लिया गया इनका सर्विस। बिल्कुल अच्छा, आकांक्षा जी बहुत अच्छा वॉलीबॉल के प्लेयर ना होते हुए भी वो अपनी गेम दिखा ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ये इंट्रामुरल है और ये मिक्स्ड है, इसमें दो लड़कियों का कंपलसरी होना जरूरी है, 4 लड़कों पे मिनिमम 2 गर्ल्स का कंपलसरी। मनोज एक बहुत अच्छे प्लेयर, इनकी सर्विस बहुत ही शानदार चल रही है, ब्लू हाउस अभी लीड पे। और ये सर्विस, और अनुज के द्वारा ये वॉलीबॉल होते हुए
और ये बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर गाड़ी के द्वारा शॉट है, बड़ा ही सुंदर शॉट लगा रही जा रहा। दोनों टीम एकदम टक्कर के साथ मैच खेल रही है, ये माप पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन टीम जीते है। और ये मनोज के द्वारा फिर से सर्विस, और ये बड़ा ही सुंदर सर्विस, और ये लड़की थ्री के द्वारा उठाया गया उनका सर्विस, बड़ा ही प्यारा। आजकल क्या रहना है, लड़कियों से ज्यादा मेडल ला रही है बेटियां, लड़कों से ज्यादा मेडल ला रही है बेटियां, केवल अपने हुनर को आजमा रही है बेटियां। बिल्कुल ऐसा ही बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की लड़की ने बड़ा ही अच्छा ये बॉल उठाया। फिर से ये मनोज के द्वारा सर्विस, सर्विस कंटिन्यू बनी रह रही है, ब्लू हाउस लीड पे चल रही है। और ये बड़ा ही प्यारा टेनिस सर्विस, लालू के द्वारा लिया गया सर्विस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैच एकदम जोश में चल रहा है, ब्लू हाउस के सारे टीम मेंबर बड़े ही जोश के साथ चल रहे हैं, और ये सर्विस कंटिन्यू चली जा रही है। और ब्लू हाउस काफी लीड पे है, 12-3 से ये स्कोर की पॉइंट है, आप जैसा समझ सकते हैं कि काफी लीड पे है 12-3। और ये थोड़ी देर के लिए ब्रेक, हाफ टाइम हो रहा है, ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते हुए। रेड हाउस को अब काफी मेहनत करना पड़ेगा ब्लू हाउस को कम्पीट करने के लिए, क्योंकि लीड बहुत ज्यादा हो गया है, 9 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा होता है। ब्लू हाउस का 12 पॉइंट है और रेड हाउस का 9 पॉइंट है। रेड हाउस और ब्लू हाउस एकदम फिर से जोश में मैदान में आते हुए हाफ टाइम समाप्त हुआ। लालू एकदम जोश में इस बार दिख रहे हैं, लगता है कि इस बार ये कम्पीट कर ही देंगे। और ये मनोज के द्वारा फिर से सर्विस, गेम स्टार्ट हो गया है, हाफ टाइम इज ओवर। और ये बड़ी ही खूबसूरत सर्विस, मतलब इतनी जबरदस्त सर्विस, हमेशा जो मिस कर गया वो देख नहीं पाएगा। एकदम और ये रेड हाउस की सर्विस, लालू के द्वारा सर्विस। लालू भी बहुत अच्छे प्लेयर हो गए हैं, क्योंकि ये कुछ समय से इंजर्ड चल रहे हैं, इससे ये गेम में उतना बने नहीं रह पा रहे हैं। और ये गेम के संचालन करने के लिए ये लाइन मैन है प्रीति, और ये दिख रहे हैं हमारे सर जा रहे हैं, और ये पूरा गेम को संचालन कर रहे हैं प्रदीप दुबे सर, सब्स्टिट्यूट भी बैठे हुए हैं। ये स्कोरर है बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रदीप, ये स्कोरर है, बड़े खुश दिख रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट। जितने भी ऑडियंस हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो बड़े शांति से देख रही, क्योंकि मैच एकदम नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, ये माप पाना कि कौन जीतेगा बड़ा ही मुश्किल है। और ऐसे हमारी रेफरी रूबी है, आप ध्यान से देखिए, ये है एमपीएफ फर्स्ट सेमेस्टर की रूबी, ये बहुत अच्छी प्लेयर भी है और बहुत अच्छा रेफरीशिप भी कर रही है। और ये मनोज के द्वारा फिर से सर्विस लेते हुए, और ये रहा बड़ा ही सुंदर सर्विस, बड़ा ही शानदार सर्विस। और ये ब्लू हाउस बहुत लीड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, चल रहा है 15-4। ब्लू हाउस का 15 स्कोर है और रेड हाउस का 4 स्कोर है। रेड हाउस को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा इस मैच को अपने हाथ में लेने के लिए। और मनोज के द्वारा ये बड़ा ही सुंदर सर्विस, तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि मनोज को सर्विस में कोई हरा ही नहीं सक रहा है, और ये बड़ा सुंदर सर्विस। उधर से लालू भी अपना पूरा बनाए पड़े हैं, काफी लीड पे चल रही है, काफी ज्यादा लीड पे चल रही है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स लास्ट टाइम में भी कोई भी मैच जीता जा सकता है। और ये मनोज के द्वारा फिर से सर्विस, सर्विस मिस करते हुए, फिर कोई बात नहीं। मनोज के द्वारा फिर से सर्विस, पॉइंट काफी लीड पे चल रही है, चांसेस रेड हाउस के हारने के बन रहे हैं। और ये बड़ा ही सुंदर सर्विस, सर्विस पूरा कोर्ट के बाहर, सर्विस मिस हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख रहे
हैं कि लड़कियों का प्रदर्शन भी लड़कों के बराबरी का ही एकदम चल रहा है और ये बड़ा ही खूबसूरत है। और ये सर्विस हुआ सर्विस कोर्ट के बाहर, लगता है कि दोनों टीम के जो सर्विस माप नहीं पा रहे हैं कि बॉल कहाँ पे जाती है। पहले नियम था कि केवल बैक कोर्ट खेलना है, पर ये नियम हटा दिया गया है मनोज के द्वारा ब्लू हाउस से फिर से ये सर्विस, क्योंकि मनोज जैसे कि बताया जा चुका है कि मनोज बहुत ही शानदार प्लेयर है और ये बड़ा ही प्यारा सर्विस और सर्विस कोर्ट के एग्रेशन इंसान को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है और मनोज थोड़े से स्ट्रेस और टेंशन में देख रहे हैं, इसलिए बार बार इनकी बॉल सर्विस कोर्ट के बाहर जा रही है इनकी सर्विस। और ये सर्विस रेड हाउस की तरफ से और ये बॉल बनाते हुए अनुज के द्वारा और ये बड़ा ही सुंदर और ये रेड हाउस को स्कोर मिलते हुए और अभी का स्कोर है हमारा रेड हाउस का 8 है और ब्लू हाउस का स्कोर 18 है। अभी भी 10 पॉइंट का लीड है पर जैसा कि देख रहे हैं कि काफी उन्होंने कोप किया, काफी उन्होंने कवर किया, तो ये स्कोर बढ़ते हुए रेड हाउस अब तेजी से बढ़ते हुए और लालू के द्वारा 9-18 बना है स्कोर। लगता है कि जल्दी ही ऑल भी कर ही देंगे ये सभी। एकदम प्लेयर बड़े ही उत्साह में है और ये थोड़ा सा हाफ टाइम होते हुए और फिर से स्ट्रेटेजी, बहुत ही हार्ड स्ट्रेटेजी की जरूरी बनना है। मनोज के द्वारा ये सर्विस भारतीय के बारे में बताओ कुछ, ये हमारे भारतीय और ये देखिए एम्पियर फोर सेमेस्टर की रेड हाउस की ये आकांक्षा, ये हैंडबॉल की स्पेशलाइजेशन है लेकिन इनकी पकड़ वॉलीबॉल में उतनी ही है जितनी हैंडबॉल में है। और ये कोर्ट बदलते हुए ये देखिए